हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शेरोन स्टोन ने अपनी किताब द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस में कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। शेरोन ने इस किताब में अपनी जिंदगी को लेकर जो खुलासे किए हैं उन्हें जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। शेरोन ने इस बुक में अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में और ब्रेस्ट इम्प्लांट को लेकर खुलकर बात की है। किताब में उन्होंने लिखा है कि जब शेरोन सिर्फ 11 साल की थी तब उनके साथ जो घटना हुई वो उनकी जिंदगी की सबसे बुरी घटना थी। शेरोन ने लिखा है कि महज 11 साल की उम्र में उनके नाना क्लेरेंस लॉसन उनका यौन शोषण किया करते थे। सिर्फ शेरोन ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन केली स्टोन भी इस यौन शोषण का शिकार हुई हैं। अपने इस यौन शोषण के लिए शेरोन अपनी नानी को भी जिम्मेदार मानती हैं। किताब में उन्होंने लिखा है कि उनकी नानी ने इसमें नाना का साथ दिया था। वो नाना को इन दोनों बहनों का यौन शोषण करने में मदद करती थी। शेरोन ने आगे खुलासा करते हुए लिखा है कि उनकी नानी उन्हें और उनकी बहन केली को नाना के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी ताकि वो बड़े ही आराम से हमारा यौन शोषण कर सकें। शेरोन जब 14 साल की हुई तो एक दिन उनके नाना की मौत हो गई और जब शेरोन और उनकी छोटी बहन ने नाना की डेड बॉडी देखी तो वे दोनों काफी खुश हुई और राहत की सांस ली। बेसिक इंस्टिंक्ट फिल्म की एक्ट्रेस ने इस किताब में अपनी ब्रेस्ट सर्जरी को लेकर भी चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब वे अपनी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गई थी तब डॉक्टर ने बिना पूछे ही उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ा दिया था। दरअसल शेरोन को ट्यूमर था, इस ट्यूमर को हटवाने के लिए उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई थी। शेरोन स्टोन ने कहा कि सर्जरी के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ है। स्टोन कहती हैं कि उनके शरीर में ये बदलाव करने के बारे में डॉक्टर ने उनकी इजाजत नहीं ली थी। स्टोन ने यह भी लिखा है कि जब मैंने इसके बारे में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बिना अपनी गलती माने उन्हें जवाब दिया था कि यह साइज में बड़े ब्रेस्ट उन पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। बचपन में होने वाले यौन शोषण को लेकर और खास तौर पर मशहूर एक्ट्रेस शेरोन स्टोन के इस आपबीती पर आपकी क्या है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।